પરબ પ્યાવું, પ્યાવું ભણવણીઓ કોઈ ભણાવે સાહેબ, પાણી ભરણીઓ કોઈ ભરે, મટકી રકણીઓ કોઈ રખે, વ્યવસ્થા કરણીઓ કોઈ કરે, લેકિન પ્યાવું અગર ચાલુ હો ગઈ તો બીરે બાદ મેં જો ભી કોઈ નીકળેલા ઉન રસ્તે સોર જો પ્યાસો હૈ વો અગર ઉન ગેટ માથે આવેલા તો બિના કી પૂછ્યા પ્યાવું મેં જોકો પાણી હૈ વો ઉને પિલાયો જાવેલા ઓર ઉને તીર મિટાઈ જાવેલા. ઠીક વૈસે હી યે કથા હૈ, જિસકી પ્યાસ હોગી વો ચલ કરકે આયેગા ઓર બિના કિસી ભેદભાવ કે ઉસકી પ્યાસ કો બુઝાયા જાયેગા, તૃપ્તિ દી જાયેગી. इसलिए मैं कहता हूं मैंने लोग बहुत पूछे आपकी ये मत हो थानो की ओ पंत है की ओ संप्रदाय में क्यों अपना ढंग बढ़ाई जे, अपना तो एक ही काम है पानी की तरह बहते रहना, संत का काम भी यही होता है, उसको क्या बोलते हैं चलते फिरते तीर्थ बोलते हैं ना संतों को, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू. ये तो संत को भी तीर्थ माना जाता है, वो चलते ही रहता है, चलते फिरते तीर्थ हैं भैया, अपना तो सब अपने ही हैं, कोई पराया है ही नहीं, हम तो सबके हैं और सब हमारे हैं. इसलिए मैं कहता हूं ये संतों का प्रेम नगर है, यहां संभल कर आना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहां संभल कर आना जी, ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहां संभल कर आना जी, जो आए यहां मन से हो जाए वो दीवाना जी. अच्छा यहां ना झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का, यहां न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का, एक सभी की प्यास यहां पर एक सभी का है प्याला, जो अपनी प्यास बुझाना चाहो तो पर्दे सभी हटाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहां संभल कर आना जी. पूर्वाग्रहों को मिटाना और फिर यहां चले आना, सारे के सारे परत दर परत जो है वो हटेंगी और धीरे धीरे हमें अपने निज स्वरूप का ख्याल पहचान इस कथा के माध्यम से होगी. कथा क्या करती है, दो उत्तर हैं. कथा ईश्वर का परिचय कराती है, बिल्कुल सही बात है, भगवान कौन है कहीं है अपन ने कौन बतावे, कथा और लान बतावे, राम जी कौन होया कई हा ओ अपन ने किकर ठा पड़ियो, राम जी की कथा सुनी जठा पड़ियो, कृष्ण भगवान कौन थे किसके बेटे थे कैसे अवतार हुआ फिर क्या लीलाएं करी किसको मारा किसको तारा क्या किया क्या नहीं किया, उनके जीवन की जितनी उपलब्धियां हैं उनका व्यक्तित्व कैसा रहा ये हमें पता चला, लेकिन कब, जब भागवत की कथा सुनी तब. ठीक वैसे ही ये शंकर भगवान की कथा है तो यहां से शंकर भगवान का परिचय मिलेगा कि शंकर जी क्या है कौन है कहीं है किकर कहीं लीला करी है, वो सारो परिचय अपन इन कथा से मिलेगा. लेकिन इसका दूसरा उत्तर यह है कि कथा केवल खुदा का ही परिचय नहीं देती, बल्कि कथा तो वो है जो खुद का भी परिचय देती है कि तुम कौन हो, ये ज्ञान भी इस कथा से होता है. मन में प्रश्न उठेगा कि हु एम आई, तो कथा में आना यह बताएगा कि ए होते, ये परिचय होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान इस कथा से होगा. आ एड़ी कथा थोड़ी सी मैं आपने कथा री महिमा सुनाऊंगा आज, शिव महापुराण तो सुनावणो ही जे, शिव पुराण री थोड़ी महिमा तो सुना पहला क्या है कई, जिड तक महिमा रो ज्ञान नहीं वेला जिते आनंद नहीं आवेला, तो निठाई नहीं है कई महिमा है, कोई आदमी रो महत्व जड तक समझ में नहीं आवे जिते अपनों ने प्रति कोई अटैचमेंट नहीं हुए कोई कोई लगाव नहीं हुए, उन वास्ते थोड़ो उन महत्व जानना भी जरूरी है. तो कथा है कतारी भी थोड़ी महिमा जाननी जरूरी है सज्जनों की, कथा कही है. मैं बताऊं आपने आ भगवान की कथा है और बड़ी जबरदस्त है. कथा रो उल्टो करो आप तो शब्द कई बने, कथा उल्टो कर दो बन गयो ठाक ठाक, ठाक मीन्स थकान. इस दुनिया में जो भी आया
वो थक गया, क्योंकि दुनिया है ही थकाने वाली। आदमी सुबह ऑफिस जावे, फर्स्ट क्लास प्रेस करियोड़ा कपड़ा, बढ़िया कोट पीछे टाई गले में, एकदम जेंटलमैन बने, पूरी एनर्जी रे साथ है आदमी रवाना हुए ब्रीफ केस वगैरह हाथ में लें, और ऑफिस में के फैक्ट्री में एक आपरे जठे भी वो जावे, काम काज करे, ड्यूटी देवे। पर सुबह आदमी 9 बजिया निकलियोड़ो सामरा जद पाछो आवे है 6 बजिया 7 बजिया घरे, जने आप उन्हें चेहरा ने पढ़ो, सुबह गयो जको चेहरो हमें नहीं है, अब बदल गयो, मुंडा माते थकान है, आंखियों में नींद सी है, और बस हमें तो कोई रोटी जिमा दे वाह बुझावा। ये दुनिया के काम ऐसे ही हैं जो व्यक्ति को थका देते हैं, थकान महसूस होती है। परंतु ध्यान दीजिएगा सज्जनों, इस थकान को दुनिया के पास में जाकर मिटाना चाहोगे तो मिटेगी नहीं और बढ़ेगी, परंतु इस थकान को लेकर के अगर कथा में आओगे तो मेरा दावा है वो थकान तुरंत मिट जाएगी। ये कथा हमारी थकान को मिटाती है। अच्छा, आदमी थकता है, शरीर से जितना नहीं थकता उससे ज्यादा अपने दिमाग से थकता है, माइंड से थक जाता है। आप देखो नहीं, बहुत अच्छी बात है, विकास तो होना चाहिए, पढ़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन थकान बहुत कर देती है ये पढ़ाई, ये लिखाई, ये ड्यूटी, ये नौकरी। कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला, इंजीनियर करने वाला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ने वाला छोरा छोरिया ने देखो आप, वे ऑफिस में बैठा रहे, वहां तो बैठे रहो नीच काम में दिन भर, 7-8 घंटा बैठना ही जो है, परंतु बैठा बैठा भी आंखियां थक जावे, माइंड थक जावे, वाह फाइल बनाओ, ये फाइल बनाओ, ये करो, एक्सेल करो, वो करो, फलाना करो, यूं करता करता वो दिमाग तो पूरा यूं हो जावे, हालत खराब। अब दिमाग के अंदर तो कई प्रकार के थकान होती है, कई लोगों ने बेटा रो टेंशन है, कई ने बेटी रो टेंशन है, दुनिया में टेंशन भी तो बहुत है, चिंताएं भी तो बहुत है, उनसे भी आदमी बहुत परेशान हो जावे, और दुनिया में तन से बीमार व्यक्ति का इलाज तो हो सकता है, क्योंकि उसके लिए भारत सरकार ने व्यवस्थाएं की है, जगह जगह हॉस्पिटल्स खोले हैं, जगह जगह मेडिकल स्टोर है, तो सारी व्यवस्था है, मेडिसिन ले ओ तो ठीक हो सको हो, ताकत रो कैप्सूल ले ओला तो भी ताकत आ जावेला, तन की बीमारी को तो फिर भी ठीक किया जा सकता है, तन की थकान को तो दूर किया जा सकता है, परंतु मन की थकान और मन की बीमारी को दूर करने का दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है, लेकिन वो इलाज भगवान की इस कथा के पास में है। यहां आकर कथा सुनिए, आपका मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, बिल्कुल शांत प्रशांत हो जाएगा। भगवान तो खुद कहो है कि मने वो इच पा सके जिनो मन निर्मल है, तो कोई कहो मन निर्मल वे जको थाने पा सके, लेकिन वो मन निर्मल वेला की कर, बोले कथा सुन, इलाज है कथा। भगवान खुद कहो रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, चेतन भावा, निर्मल मन जन पावा।
भगवान की कथा निर्मल बनाती है मन को, क्योंकि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जही पाना। भगवान जी कथा रे बारे में अड़ो रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान की कथा एक तो चंद्रमा की किरण के समान है, जो हमें शीतलता प्रदान करती है, निर्मलता प्रदान करती है। दूसरी राम कथा सुंदर करतारी, संशय बियग उड़ाव निहारी। भगवान री कथा आदमी रे संशय रूपी पक्षियों ने उड़ाउन वाली वात ताली है, जो ताली बजाते ही कागलो उड़ जावे, कबूतर उड़ जावे, पक्षी उड़ जावे। एड़ो ही आपने मन में भी तो कोई संशय बीजो भरड़ो वेला, कई कचरो भी तो वेला, लेकिन कथा सुनाला तो बिनसु बहेंग उड़ जाला, तो अपनो मन एकदम साफ सुथरो हो जावेला, स्पष्ट मन हो जाएगा। तन को साफ बनाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कॉस्मेटिक मार्केट इतना जबरदस्त चलता है सारी दुनिया में, एक देश की बात नहीं है, भारत की बात नहीं है, सारी दुनिया में। अपना लोग थोड़ा काला है, अंग्रेज गोरा है, पण वटे यूं यूं चले, क्रीमा पाउडर घणी बिके दुनिया में, कहीं कोड लागू गोरो तो वो तो धंधो एड़ो चाले है, क्योंकि दुनिया सब उन्हें लारे पागल है, फलाना क्रीम लगाओ, फलाना शैम्पू लगाओ, फलाना पाउडर लगाओ, फलाना कॉस्मेटिक। तो तन को तो सुंदर बनाने की बहुत सारी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में है और उसका बहुत बड़ा मार्केट है, मगर मन कैसे सुंदर बनेगा साहब? और जब तक मन सुंदर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। मन सुंदर नहीं होगा तब तक मनमोहन मन में कैसे बैठेगा, सोचने की बात है ना। वो एक महाराजा, महाराजा जो गया पानी भरने, आपरे मटको भी जो राखता वो लेर गया पानी भरियो, जीते एक बाई आई, बाई पानी भरने आई, पण महाराज ने पानी भरता देखा, जने विचार करियो कि वाह कहीं कोनी, पहला महाराज भर लेवे ए फ्री हो जावे तो मैं भरूं, जने वा लाणू उगी। महाराज आपरे मटको भरियो, पण मटको पानी भरी जा बजे तो भारी उगो, वो ऊंची जी कोनी, महाराज हूं एक लू। जन बाबाई आन मटके रे, थोड़ो सारो दियो बाप जी, मैं ऊंचवा दूं, थोड़े भारी है तो थोड़ो सारो दू। बाद जो ही आप रो थोड़ो सारो दियो, मटके रे हाथ लगाया, क्या महाराज रिया बड़ा, अरे तूने ये क्या कर दिया न, वो क्या कर दिया, अरे बाप जी कही होगी कोई गलती, अरे गलती महा अपराध कर दिया तूने, अरे मटके रे हाथ लगाई दे तू लुगई हो बोले, तो यो कहीं बाप जी हाथ लगा दे हाथ पर कहीं पानी अशुद्ध गो मटको अशुद्ध हो, हाथ लगाते हैं शुद्ध को बाप जी यू हाँ। कई दूर तो महाराज दियो लेक्चर, पचे वो पानी करियो खाली, पचे मटके ने मांझियो, पाचो पानी भरियो, पाचो भरो ना पड़ी में, पाचो पानी भरियो, मटको भरी जो भारो तो वही भाई महाराज, पाचो उठो नी कोशिश करी, ऊंचियो कोनी, वही भाई पक्की के बाप जी रे सेवा तो करनी, पाचो आ हारो दियो, लो बाप जी मैं ऊंचू, पांच हाथ लगाया पांच महाराज दिया बड़गा, अरे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हाथ नहीं लगा, पाछो खाली करियो, पाछो मटके ने मांझियो, पाछो पानी भरियो, महाराज तीजी बार उच्च लगार ऊंची जियो कोनीर, बाई बाई पक्की वही जान, तीजी बार और हाथ लगे, बाप जी मटको तो ऊंचवा थे दुख पो, जुई तीजी बार हाथ लगायो, के महाराज ने आएगी रीस, अहर महाराज मटको फोड़ का दियो, और के बार बार दिखता नहीं है तुमको, समझ नहीं आती कोई बात, तुम समझती नहीं हो, मैं बार बार मटका मांझता हूं पानी भरता हूं, बार बार मटका मांझता हूं पानी भरता हूं, और तुम फिर हाथ लगा करके उसको अशुद्ध कर देती हो, ये कोई समझदारी की बात है क्या, तुमको समझ नहीं आता, एक बार करियो दो बार करियो, हैंग दिन मा तो खराब करे, मन मटको मारनो पड़े। जन बाबाई हाथ जोड़न के महाराज, बुरो लागे चाहे चोखो,
लेकिन बात कह दू मैं मुंडे माते आयोड़ी रही जे कोनी। तो के कह दे तो के महाराज इतना साल होया है मटका मांझता ने ए मटका मांझना की कोनी हुए बाबा जी मटके तो बहुत मांझे अब जरा अपने मन को मांझो जिस दिन मन मांझ गया उस दिन तुम्हारा ये सारा ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा। तो कई ऊंच नीच करने लगा थारे हाथ लागण अशुद्ध गोन भी हो कौन हो गोन। और ऐसे तो कहते हो यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे तो कन्याओं का पूजन होता है, ऐसे तो हम लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं देवी के रूप में उसकी पूजा करते हैं, और अब यहां आप ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। मन को मांझो महाराज मन को, मन जब शुद्ध हो गया तो सब कुछ शुद्ध हो गया। बात तो हमारी भावनाओं की है, बात तो हमारे विचारों की है, गंदगी तो हमारे मस्तक में भरी पड़ी है, उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। मात्र कथा ही है जो हमारे मन के मैल को साफ कर सकती है, निर्मल बना सकती है। इन वास्ते है कथा। और वह भी कथा ने संत लोग गंगा बताई है। गंगा में नावे जने आदमी ने दो फायदा सीधा सीधा हुआ है, और तो गणा है साहब, गंगा का फायदा कोई कम थोड़ा ही है, गणा ही है, लेकिन दो फायदा तो सीधा सीधा हुआ है। दो फायदा किसा है, किसा है? गंगा हिनान करो जंठा पड़ जावे। नंबर एक, पहलो फायदो तो ओ गर्मी लागती हुए शरीर तपतो हुए जे गंगा जी में गोतो लगायो हुए तो शरीर हो जावे ठंडो, है कि नहीं? गर्मी दूर हुए कि नहीं? गर्मी दूर हो जाए। दूजो फायदो कई, दूजो फायदो ओ है साहब कि अगर जे गंगा जी में स्नान करियो तो शरीर की शीतलता तो हो गई, लेकिन अगर अपने शरीर माते रंजी वंजी लागोड़ी वे मेल भी जो लागोड़ो हुए तो वो भी साफ हो जाया करे। ठीक उसी प्रकार जैसे नहाने से गंगा में शरीर ठंडा होता है और शरीर साफ होता है, वैसे ही कथा रूपी गंगा में नहाने से मन भी ठंडा हो जाता है और साफ हो जाता है। ये दोनों फायदे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कई कहवे महाराज मन ठंडो हुए, इरो कई मतलब है? इरो मतलब साफ है, कई बार मन गर्म भी तो रहे। इंग्लिश में तो मन के लिए कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं है, माइंड को ही मन कह देते हैं। ठीक है, मन माइंड, और माइंड की जब बात आवे तो अपन लोग माइंड इन्हें भी माइंड समझा के अपनो माथो गर्म हो गयो, तो माथो तो कह रहे हो गर्म हुए, हर दिन में कितनी बार ही गर्म हुए, हुए कि नहीं हुए? कि नहीं पूछ लो, आज दुनिया में कोई आदमी अड़ो नहीं मिलेला जको केवला के मारे कोई टेंशन नहीं है, अगला रे टेंशन है। बूढ़े आदमी ने पूछो तो टेंशन, जवान ने पूछो तो टेंशन, भाई ने पूछो टेंशन, बाई ने पूछो टेंशन, बच्चे ने पूछो तो टेंशन। अरे थारे क्या टेंशन के मारी पढ़ाई री टेंशन, एग्जाम आवे मत मत, फेल वे हूं पास वे हूं, उन्हें टेंशन। और टेंशन चीज बड़ी खतरनाक है, आज के जमाने में फैशनेबल बीमारी हो गई है टेंशन। पांच लोग बैठा वे भाई बैठा हो चाहे बाई बैठा हो, बात चाली तो आई चाली, ए भाई ए मान तो टेंशन करो, छोरा रो टेंशन है, बिनो टेंशन है, उनो टेंशन है, घर रो टेंशन है, फैमिली रो टेंशन है। एक भाई के मार तो बीमारी है वो डायबिटीज गणी, इनो टेंशन। कोई के मारे बीपी गणी, इनो टेंशन। मान लो चार भाइया कह दियो टेंशन आओ मारे, वो टेंशन है, वो मारे, वो टेंशन है, वो मारे टेंशन, अरे पांच भी बैठी है उन्हें मान लो कोई टेंशन नहीं बनी तो वह खुद एडी मुंडो देखे कि हमें मैं कहीं बोलू मारे तो कोई है ही कोई, वह खुद अक्की बक्की हो जाए। भगवान ने कह मनी देवड़ो नहीं छोटो मोटो की मैं ही बताऊती, अगला पार्टी बीच बैठी और मारे कहीं यही को नहीं बताऊ लाइक, तो टेंशन हो गई फैशनेबल बीमारी। नहीं हुआ तो ही लोग करे मर्डन की इनकी, तो बताओ रेपुटेशन का सवाल है, स्टेटस का प्रश्न हो गया है, इतना टेंशन है। अच्छा टेंशन शब्द है, इन्हें आप तोड़ो, स्पेलिंग पे मत जाओ आप, इंग्लिश की इंग्लिश का ही वर्ड है लेकिन स्पेलिंग पे मत जाओ आप। ऐसा यू एन होता है ना शन में, इधर टेंशन वाली स्पेलिंग में टी एन एस आई ओ एन, ऐसा ही होता है ना। अब आप तो खाली उच्चारण पे जाओ, टेंशन, टेन मीन्स दस, अंग्रेजी में टेन मीन्स दस, सन मीन्स सूरज, सन क्या है नहीं पचे, उच्चारण पे जाओ सूरज, अर्थ हो गया दस सूरज, दस सूर्य। विचार करो
अपन आकाश में दिखे एक सूर्य, वो एक सूर्य है और वही जद तपे है गर्म हुए है, जन एडो गर्म हुए है कि गर्मी में तो बच मत पूछो थे लोग के वादा दा 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 दा। गर्मी 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 तपे गणो तपे गणो तपे गणो, इतो ताप है सूरज रो की वह एक सूरज री गर्मी भी अपन सैन कोनी हुए है। तो विचार करो सज्जनों, जिन आदमी रे माथा में टेंशन बढ़ियोड़ो है, मतलब दस दस सूरज मह माता में बढ़ियोड़ा है, वो आदमी की करवा गर्मी सहन करेला, चिंता री गर्मी। अच्छा ए लाइटा लागोड़ी है तो वोल्टेज है कि भाई इन हिसाब रो वोल्टेज में आनो चाहिए, उन हिसाब रो पावर दियोड़ो है, उन हिसाब में लाइटा लगे। जब बतो वोल्टेज आ जावे तो लट्टू फूट जा, फूट ही वो तो सहन थोड़ी भाई। उन्हीं प्रकार सज्जनों, ओ ओ माथो है नी आपनो, ओई ओई एक लट्टू जड़ो ही जाए, इमें ही भगवान सिस्टम गा लिया कि भाई इतो थारे सहन हो सके, पर इन बत्तो अगर कोई टेंशन कर लेवे तो वो लट्टू फूटे जो वही लट्टू फूट जावे, और वो फूट जावे तो दूजो आ जावे, कई टेंशन कोनी, परंतु वो फूट गयो तो गयो, फूटे गयो तो फाड़ जावे माथो, पछे तो गया राम नाम सत्य। अब ऐसे गर्म के गर्मी के माहौल में जहां आदमी का माथा गर्म हो रखा है, ऐसे में अगर हमें ठंडक प्राप्त करनी है, शीतलता प्राप्त करनी है, तो कहीं जाओगे शीतलता नहीं मिलेगी, पर कथा आकर के सुनिए तो कथा में हमारा मन मस्तिष्क तन सब कुछ शांत हो जाएगा, बहुत शांति प्राप्त होगी। हमारे थे बैठा हो जन थोने कोई धंधो दुकान बिजी याद आवे, मनु कही जो याद आवे, और तो हमें याद आई मैं कही जाती, बाकी तो भूल गया थोड़ी देर वास्ते, क्योंकि अटे आवते ये हैंग डिस्कनेक्ट हो जाए उन आदमी, एकदम एकदम अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है। ऐसी है भगवान की ये कथा, और उस कथा में भी ये शंकर भगवान की कथा हम सब लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है सज्जनों। आ शंकर भगवान की कथा भी बड़ी अद्भुत कथा है। महादेव जी ने खुदरे मुखारबिंद सो निकलोड़ो वो ग्रंथ है जिन्हें अपा शिव महापुराण कहवा हाँ सज्जनों। भागवत रे अंदर 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, तो शिव महापुराण अंदर 7 संहिताएं हैं, और इन शिव महापुराण रे अंदर 24,000 श्लोक है। भागवत में है 18,000 श्लोक और शिव महापुराण में है 24,000 श्लोक। और महिमा कैडी महादेव जी, महादेव जी की महिमा बड़ी अजब गजब है। ऐसा कहते हैं कि शंकर जी ने वो जको भजन करे, शंकर जी ने जको जपे, वो आदमी दो तरह रावे, वे भगत दो प्रकार रा हुए, केड़ा? एक तो कह तो वही हाव फक्कड़ फकीर, और के वही बहुत अमीर, इतो अमीर के बस भौतिक आध्यात्मिक सब संपदा उसके पास, हर तरह से संपन्न। एक जगह मैं गयो एक बार फड़ोदी में गयो, वटे तो महादेव जी मंदिर ही गणा है, वटे गयो जो महादेव जी मंदिर में गयो जो एक आदमी बड़ो, वो अलग ही मस्त मोलो आदमी, के अड़े महादेव जी भगत हुए हो मैं बताऊ थो, वो बैठो महादेव जी मंदिर में, देखो मैं गया दर्शन करने, मैं दर्शन करने आया पाचा बारे में, क्यों की कर बा की कर, तो मन के हम पीते हैं भांग का भर लोटा, महादेव की कृपा से हमारे किसी बात का नहीं है टोटा, एड़े हुए है। पर कई कई महादेव जी रे नाम रो प्रसाद बता बता लेवे नहीं, वो महादेव जी रो प्रसाद नहीं है, ध्यान राख जो थी। शिव पुराण में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि महादेव जी ने कभी भांग पियो, कहीं नहीं लिखा है पूरे शिव पुराण में भी, पर महादेव जी की कृपा सु आदमी रे टोटो कोई बात रो नहीं रहे, आ बात पक्की है। या तो बहुत फक्कड़ फकीर होंगे, कोई बाबा लोगों को देखो आप, वो महादेव जी के परम भगत होते, फक्कड़ है महादेव जी रे भगत है। अच्छा खुद शंकर जी अड़ा है कि कोई भगत रे माते अगर मूड आएगी हो तो बस पचे एडी मेहरबानी करेला, एडी मेहरबानी करेला कि वो सब हाइएस्ट बन जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। इसलिए तो कहते हैं महादेव जी खुद अपने पास कुछ रखता नहीं, और जो महादेव जी को बचता है डोकरा उसके कमी किसी बात की रखता नहीं, उन्हें लीला लहर कर दे, ये महादेव की कृपा। तो शंकर भगवान जी महिमा केड़ी, शंकर भगवान जी इन कथा रे अंदर बतायो कि जको आदमी महादेव जी की कथा ने सुने,
कोई पापी सु पापी आदमी भी हुए एर वो इतो पापी हुए इतो पापी जकेरा आपा पाप गिन को नहीं सका, अनगिनत असंख्य पाप जिसने अपने जीवन में किए, अगर ऐसा पापी है तो वो महादेव की कथा सुनता है तो इतना पुण्यवान बन जाता है, इतना पुण्यवान बन जाता है कि पहले तो हम उसके पाप नहीं गिन सकते थे और अब हम उसके पुण्य नहीं गिन सकते हैं, इतना पुण्य का खजाने वाला महादेव का भक्त हो जाता है। एडी शंकर जी की कथा। एक बार री बात है, नैमिषारण्य भूमि में ऋषि मुनि इकट्ठा होया, ब्यारे सबरे मन में एक विचार आयो कि अपा ज्ञान यज्ञ करा, तो ज्ञान यज्ञ रे वास्ते हैं ऋषि भेड़ा होया। सूत जी महाराज रो आगमन हुयो, अरे ऋषि मुनि सूत जी ने पूछियो, महाराज इन दुनिया में कली काल रे विषम वातावरण में लोगों ने मुक्ति रे वास्ते कोई सरल रस्तो हुए जिनसो आदमी सहज भगवान तक पहुंच सके, एड़ो कोई उपाय वे तो आप माने बतावारी कृपा करो। जने सूत जी कहो कि ऋषियों उन वास्ते तो महादेव जी की कथा सुनो, क्योंकि शंकर भगवान आशुतोष कृपालु हैं। ये एक शब्द आशुतोष शंकर भगवान के लिए ही उपयोग में लाया जाता है और किसी के लिए नहीं। कृष्ण भगवान आशुतोष नहीं है, राम जी आशुतोष नहीं है, लेकिन महादेव जी आशुतोष हैं। आशुरो मतलब कई, तोषरो मतलब कई, आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए उसको कहते हैं आशुतोष, आशुतोष। और आशुतोष सज्जनों महादेव जी है, इन वास्ते कलयुग रे अंदर भी सबसू जल्दी कोई कि नहीं प्रसन्न, कोई कि नहीं माते प्रसन्न होने वाला देव है तो वे महादेव जी है। किसी के पाप को बहुत जल्दी माफ करने वाले अगर कोई देव हैं तो वो भी महादेव है। इन वास्ते पापी सु पापी आदमी भी इन कथा सु तर जावे। एक कथा है शिव महापुराण रे अंदर मातमेरी। आसीत किरात नगरे, एक किरात नाम रो नगर हो। आ कथा है देवराज री कथा। एक देवराज नाम रो आदमी किन प्रकार वो पाप कर्म करिया, किन प्रकार वो पछे मां देव जी री कथा सु भगवान शंकर जी रे धाम में पहुंची और उन्होंने केड़ो कल्याण होयो, उन्हीं जकी कथा है वह महात्मेरी कथा मानी जा करे महादेव शिव महापुराण रे अंदर। तो उसमें लिखा है कि आसीत किरात नगरे, एक किरात नाम रो नगर हो और उन नगर रे अंदर बहुत सारा लोग रहता, लेकिन एक पंडित एक परिवार ब्राह्मण परिवार रहतो। पिताजी तो बहुत चोखा है, भगवान रा भगत है, मां देव जी रही भगत हा, लेकिन बेटो जको हो उरो नाम हो देवराज। और वो देवराज एड़ो हो कि ज्ञान से दुर्बल था, ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल ऐसा लिखा है। आदमी पयम थाकड़ो वे जके ने दुर्बल नहीं कहवे, कोई तनु थाकड़ो वे जके ने दुर्बल नहीं कहवे, लेकिन आदमी ज्ञान उठाकड़ो हुए झके ने दुर्बल क्या करे, क्योंकि शरीर कमजोर होगा तो चल जाएगा, दिमाग से आदमी पैसा कमा लेगा, कुछ भी अपना जीवन व्यतीत कर लेगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा अक्कल नहीं होगी तो वो आदमी फूट रो गणो ही दिखो, हेटो हटो कटो गणो ही दिखो, लेकिन अगर अक्कल नहीं आई तो लोग कह भाई फूट रो तो दिखे पर इन कमरे में बंद रखो भाटा भाई, क्योंकि इन्हें अक्कल को नहीं में ज्ञान को नहीं। इसलिए आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, वो ज्ञान सु दुर्बल हो कौन वो छोरो जिके पंडित जी जेका रहे था ब्राह्मण परिवार व्याणो जो लड़को वो ज्ञान दुर्बल हो। हाँ यू ही जो नाम राख्यो नो देवराज, देवराज नाम राख्यो पण खाली नाम नाम देवराज हो, मैं तो ने राक्षस राज हो, नाम देवराज और चाल तो दानवराज। पिताजी रो कहनो मान तो नहीं, पिताजी क्यों बेटा ब्राह्मणा मंत्र बीजा याद कर ले, कोई पूजा पाठ राखी कर विद्या है जकी याद कर ले, कम से कम भगवान रो नाम लिरी जी चोखा काम वही, एर मैं मर जावा तो ही लारे थारो जीवन तो चाली, और भगवान रे काम बढ़िया जीवन चाली इन वास्ते हीक ले
पण वो तो दिमाग लगाओ तो इच को नहीं। न गायत्री पूजन होता था, न कोई यज्ञ उससे कर होता था, न कोई शिवजी पूजा वो कर। तो अक्सर ब्राह्मण लोग महादेव जी के परम भक्त हुआ करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ नहीं करता था, ऐसे ही फिरता रहता था। धीरे धीरे मोटो हो गयो और छोरो जब छोटो हुए जद तो ताबे हुए अपने कि भैया मैं कंट्रोल में कर सका। लेकिन छोरो जद मोटो हो जाए, बेटा जब पिता के कंधे से ऊपर निकल जाए, उसके बाद में कहते हैं कि अब जो संस्कार आने थे वो तो आ गए, हमें वो किकरा लेला कहीं नहीं करेला वो जाने, क्योंकि अब वो खुद ही आपरे पगो माते खड़ो है। खड़ा हो जाए तो इस उम्र में हो जाए, और अगर नहीं भी हुआ तो नहीं हुआ। तो छोरो हो गयो मोटो, मोटो हो गयो जने पछे उनमें अक्कल तो ही कोनी, कमई दमई करतो कोनी। अड़ने उनो ब्याव कर दियो, माता पिता उम्र आई जने ब्याव तो करनो पड़ी भाई, जने ब्याव कर दियो। शोभावती नाम की उसकी स्त्री थी, शोभावती। शोभावती नाम री उनी स्त्री ही ब्याव हो या पछे आपने ठा है आदमी रे माते जिम्मेदारी रो बोझ आ जाया करे। जड़ तक ब्याव नहीं हुए जड़ तक तो रहे फ्री के पापा कमावे आपो ने कई करोड़ो, लेकिन ब्याह हो यहां पचे तो खुदरी फैमिली हो जावे, खुदरो परिवार हो जावे, उन वास्ते जिम्मेदारी भी खुद नहीं जुटानी पड़े। अब जब ब्याह हो गयो जन विचार करियो रे हमें तो मने खुद ने कहीं ना कहीं करना पड़े, हमें दिमाग में आयो मोड़ो गणो आयो दिमाग में। अड़ने पिताजी हो गया बूढ़ा, मां भी बूढ़ी हो गई, और ओ हमें धंधो करतो, धंधो केड़ो करतो। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता। कहनो धंधो, शब्द लिखा है रस विक्रेता। दरिद्र था माने गरीब तो था ही, पैसे थे नहीं, तो मजबूरी में पैसा कमाने के लिए धंधा किया, तो धंधो ही केड़ो करियो, रस विक्रेता बना। रस विक्रेता में समझो, साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।